हाय, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 7 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है और सब्सक्रिप्शंस। तो टॉपिक पे चलने से पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि और सब्सक्रिप्शंस किसे कहते हैं। जब एक कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स ऑफर करती है, इन मीन्स अपने शेयर्स इशू करती है, और इशू शेयर से ज्यादा अगर पब्लिक अप्लाइड फॉर करती है, तो उसे जो एक्सेस अप्लाइड हुआ उसे हम और सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के उदाहरण से देखते हैं कि एक कंपनी ने जो ऑफर्ड शेयर जो है वो है 10,000, जबकि पब्लिक ने जो अप्लाइड फॉर किए वो 15,000 शेयर्स। तो यहाँ पे जो 5,000 शेयर जो है वो और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहा जाएगा। इसको हम एक डीके गोयल की बुक के अंदर से जो क्वेश्चन नंबर है 23 उसके को लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि किस प्रकार कंपनी जो है वो अपने रिकॉर्ड में जनरल एंट्री बनाती है और किस प्रकार जो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चंस में जो बैंक अकाउंट है वो किस प्रकार तैयार किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि एक गोविंद लिमिटेड जो है वो प्रोस्पेक्टस इनवाइट करती है 20,000 शेयर्स के लिए, जिसमें शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीज ईच और प्रीमियम है उसके ऊपर 3 रुपीज पर शेयर्स। पेबल जो है उसका एप्लीकेशंस के साथ कंपनी 4 रुपीज मांगती है, अलॉटमेंट के साथ 5 रुपीज जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपीज मांगती है और फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपीज मांगती है। यहाँ पे एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुई है कंपनी को 27,000 हुई है, और यहाँ पे जो अलॉटमेंट जो है वो जो हो रहा है वो इस प्रकार होता है कि जो 16,000 जो एप्लीकेंट है उनको कंपनी जो है 16,000 शेयर्स है वो अलॉट करती है, 6,000 जो है अप्लीकेंट है उन्हें 4,000 शेयर्स अलॉट करती है, और यहाँ पे जो 5,000 जो अप्लीकेंट है उन्हें निल शेयर्स कोई भी शेयर नहीं दिया जाता। इस प्रकार टोटल अप्लीकेशंस है 27,000 कंपनी के पास रिसीव हुई और यहाँ पे 20,000 जो शेयर्स है वो कंपनी ने इश्यू कर रही है। तो यहाँ पर गिव द जर्नल एंट्रीज और हमें कैश बुक तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो कंपनी के पास, अब हम चलते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार बनाई जाती है, क्योंकि टोटल जो एप्लीकेशंस आई है कंपनी को फर्स्ट ऑफ टाइम तो सभी को कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर जो बैंक में जो पैसा आया है कंपनी के पास जो मनी रिसीव हुआ है वो 27,000 एप्लीकेशंस का एट द रेट ऑफ 4 रुपीज एप्लीकेशंस प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 27,000 एप्लीकेशंस का 4 के हिसाब से, तो ये 1,08,000 जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, और शेयर एप्लीकेशंस मनी को क्रेडिट करेंगे 1,08,000 से। अब कंपनी इसे कैपिटलाइज तो केवल 20,000 जो एप्लीकेशंस है उन्हीं को कैपिटलाइज करेगी। तो अब यहाँ पर हम अप्लाइज करने के लिए शेयर एप्लीकेशंस को डेबिट करेंगे 1,08,000 से, शेयर कैपिटल को 20,000 के ऊपर 4 रुपीज के हिसाब से 80,000 से वो क्रेडिट करेगी शेयर कैपिटल में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 6,000 जो एप्लीकेशन है उन्हें 4,000 शेयर्स मिल गई, यानी कि 2,000 एप्लीकेशंस जो एक्सेस आई है उसको कंपनी क्या करेगी, इसे हम और सब्सक्रिप्शंस के रूप में देखेगी। तो यहाँ पे 2,000 को 4 से करेगी, तो यहाँ पर 8,000 जो मनी जो है उसको जिन शेयर्स होल्डर को जो 4,000 शेयर्स इशू किए हैं उन इस पैसे को एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में लेके जाएगी। तो यहाँ पर शेयर्स अलॉटमेंट को क्या कर देगी, क्रेडिट करेगी 8,000, और बैंक अकाउंट क्योंकि 5,000 एप्लीकेशंस है एप्लीकेंट है उन्हें कोई शेयर नहीं दिया गया उनका नील, तो उनका पैसा वापस करेगी कंपनी, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। अब जब कंपनी के पास एप्लीकेशंस मनी के जो एडजस्टमेंट हो चुकी है अब वो शेयर्स अलॉट करेगी, तो सबसे पहले ड्यू करती है, तो
ड्यू उसे करना है 20,000 शेयर्स हैं, इससे ज्यादा तो कंपनी कर नहीं सकती। तो यहाँ पर शेयर्स अलॉटमेंट को 5 रुपए मांग रही है, तो अलॉटमेंट के ऊपर 1 लाख रुपए को क्या करेगी, वो डेबिट करेगी। अब शेयर कैपिटल जो है उसे इन 20,000 के ऊपर, क्योंकि 5 रुपीज है इसमें 3 रुपीज प्रीमियम है, तो 2 रुपए अप्लीकेशंस उसको कैपिटल के बजाय शेयर कैपिटल को 2 रुपए से करेगी, तो 20,000 के ऊपर 40,000 वो है कैपिटलाइज कर देगी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी, 20,000 के ऊपर शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेगी, जो 60,000 बनता है। तो इस प्रकार ड्यू की जो है वो एंट्री बनाएगी। अब वो जब शेयर होल्डर उसके पास जो मनी भेजेगा उसमें अलॉटमेंट का, तो वो कितना होगा, क्योंकि इसमें उसे 1 लाख उसको चाहिए, लेकिन इसके ब्याप में अलॉटमेंट के अंदर 8,000 वो पहले ही आ चुका है उसका, 2,000 अप्लीकेशंस का। तो यहाँ पर उसको 1 लाख में से 8,000 लेस करके 92,000 जो है वो मनी जो है उसके बैंक में आएगा, और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेगी 92,000 से। अब हम जब कंपनी के पास ये मनी पूरी आ जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस में कहा गया है नो प्रॉब्लम और सब्सक्रिप्शन से पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी, जब मांग करेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करेगी 20,000 के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से, तो ये हमारा 40,000 होगा। और शेयर कैपिटल जो है यहाँ पर क्या है कि क्रेडिट हो जाएगी कैपिटलाइज में 40,000। जब बैंक में मनी आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी 40,000 से, और यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देगी 40,000 से। इसी प्रकार जब फाइनल कॉल को ड्यू करती है तो शेयर फाइनल कॉल को क्या करेगी, डेबिट करेगी, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देगी 40,000 से। जब बैंक में पैसा फाइनल कॉल का भी पैसा आ जाता है, तो उस टाइम एंट्री जो रिकॉर्ड होगा जनरल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी 40,000 से और शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देगी 40,000 से। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में बैंक अकाउंट तैयार करने को लिए कहा गया है, तो हम बैंक अकाउंट तैयार करेंगे। तो बैंक में 2 शेयर्स एप्लीकेशंस के ऊपर जितना मनी आया, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में 1,08,000 है, तो हम यहाँ पर इसकी पोस्टिंग कर देंगे। अलॉटमेंट के ऊपर देखते हैं तो बैंक अकाउंट 2 शेयर्स अलॉटमेंट है वो क्रेडिट है 92,000, तो इसकी पोस्टिंग हम इसके बैंक अकाउंट पे डेबिट में करेंगे। और शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट है 40,000 से, तो हम बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्या है डेबिट कर देंगे। तो उसके अंदर बैंक अकाउंट में 2 शेयर इसमें फर्स्ट कॉल, और इसी प्रकार जो बैंक अकाउंट फाइनल कॉल के लिए 40,000 है डेबिट है, तो यहाँ पर 2 फाइनल कॉल को हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। और अब हम इसका फाइनल टोटल करेंगे, तो हमारे पास इस साइड का जो बैलेंस है वो 2,80,000 आता है, लेकिन बैंक में कंपनी ने जो 5,000 एप्लीकेशंस हैं उनका मनी वापस भी कर रही है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम शेयर एप्लीकेशंस के अंदर 20,000 को क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार हम 2,80,000 में से 20,000 अगर लेस करते हैं, तो बैंक का जो बैलेंस है वो सीडी होगा इस साइड का 1,02,60,000, और इस प्रकार जो हमारी ये बैंक अकाउंट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट होगा, इसको काफी आपको सीखने को मिला कि किस प्रकार, और सब्सक्रिप्शन जब होकर कंपनी करती है तो उसका जनरल एंट्रीज तैयार की जाती है, और कैश या बैंक अकाउंट किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो इसे, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।